हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों के लिए मैं जनरल अवेयरनेस का मुख्य टेस्ट लेके आया हूँ रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, ये मुख्य टेस्ट थर्ड है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गाइस आप सभी लोगों से, आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल का जो है बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आपने सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। घंटी जैसा निशान है, आप लोग देख पा रहे हैं जैसे ये घंटी जैसा निशान ये वाला, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम रिक्वेस्ट चलते हैं। आप लोग मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं मोहित गोयल के नाम से। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वारी से, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, और वहाँ पे मुझे अनअकैडमी पे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं माई स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्कीम डेट इज एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री में। Which among the following is a scheme that is aimed at the development of girl child in the country में, निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के लिए उद्देश्य से है। ऑप्शन ए विद्या लक्ष्मी स्कीम, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री बालिका सुकन्या योजना। गैस कीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप लोग जानते हैं स्कीम से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फ्रेम होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि स्कीम इज एम्ड एट द सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री में। जैसे मैंने बताया था 22 जनवरी 2015 में ये लागू हुई थी, लॉन्च की गई थी। ठीक है, द पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड कैन ओपन द अकाउंट बिफोर सी अटेन द एज ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल से पहले अकाउंट खोल सकते हैं पेरेंट्स के, जो मतलब कि गर्ल के जो फादर जो है, ऑन डिपॉजिट मनी टिल द चाइल्ड ऑफ बिकम्स 14 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब तक 14 साल की नहीं हो जाती जब तक वो डिपॉजिट कर सकते हैं, और आफ्टर 21 ईयर्स के बाद जो है वो गर्ल जो है विड्रॉ कर सकती है अमाउंट को। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट जो है 250 डिपॉजिट कर सकती है, और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख ईयरली, ठीक है, साल में डिपॉजिट कर सकती है। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, एक्सप्लेनेशन की कई बार जरूरत होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की क्लियरिटी हो जाती है कॉन्सेप्ट की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, केयरफुली सुनना आपको। हुई, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी इस क्वेश्चन के बारे में। हुई इज द ओनली प्रेजिडेंट इन US हिस्ट्री टिल डेट टू हैव सर्व्ड फॉर टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एज US प्रेजिडेंट। अमेरिकी इतिहास में अब तक का एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 बार गैर कार्यकाल के लिए कार्य किया है। गैर कार्यकाल जैसे कि कोई भी राष्ट्रपति बनता है लगातार 2 टाइम्स राष्ट्रपति वो बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा क्या है, जो राष्ट्रपति तो बने 2 बार लेकिन वो कंसेक्यूटिव नहीं बने। जैसे कि 4 साल के लिए कोई राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, उसके लिए बीच में कोई और राष्ट्रपति बन गया, लेकिन दोबारा वही राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, यानी कि 2 साल हो गए उनके। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या। ऑप्शन में पढ़ता हूँ, कुछ लोग हो सकता है जो जानते होंगे इमेज को देख के समझेंगे। देखिए, इमेज से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, माइंड में चीज़ें बैठ जाती है। मेरा मकसद है आपको क्लियर करना कॉन्सेप्ट को, आपके माइंड में चीज़ों को बैठाना। ठीक है, कि मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को बता के छोड़ दिया और मेरा काम हो गया और बस जो है, क्योंकि ऐसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको 1 घंटे में विद इन 1 आवर 100 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, कोई उसका फ़ायदा है? आपको याद ही नहीं रहेगा उसका कोई, वो तो यूजलेस है। ठीक है, आउट आपकी जो है, आप जो पढ़ रहे हो उसके आउटपुट आना चाहिए। आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हो एक वीडियो में, उसकी आउटपुट आना चाहिए। आपने कितना सीखा उस वीडियो से, कितने क्वेश्चन आपको याद हुए, आउटपुट आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, एक्सप्लेन मैं आप करता हूँ। जेरोल्ड फोर्ड, ग्रोवर क्लीवलैंड, जॉर्ज वॉशिंगटन, हर्बर्ट हूवर, इसका आंसर है बी आंसर, ग्रोवर क्लीवलैंड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन। देखिए, एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखी हुई है। ठीक है, देखिए, ग्रोवर क्लीवलैंड इज द ओनली प्रेजेंट इन द US हिस्ट्री में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, जैसे कि वो 22वें प्रेजेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और 24th प्रेजेंट भी बने थे यूनाइटेड स्टेट्स के 1893 में 97 में। जॉर्ज वॉशिंगटन आप लोग जानते हैं फर्स्ट प्रेजेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के, ये भी आप लोग जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, लो लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अब जो मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, हर्बर्ट हूवर वो तो प्रेजेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन फ्रॉम 1929 से लेके 1933,
ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे प्रेजेंट कौन था, ये क्वेश्चन 100% चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। अगर आपका एग्जाम टफ आएगा, ये टफ आएगा तो वहां पे ये क्वेश्चन फ्रेम जरूर होगा कि हर्बर्ट हूवर कब राष्ट्रपति बने थे, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम बने थे 1929 में 1933 तक, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन यानी कि बहुत बुरी हालत हो गई थी अमेरिका की, ठीक है। ये पूरा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियरिटी हो गई होगी, जो मैंने आपको बताया है आपको आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये है हमारे ग्रोवर ग्रीवलैंड, ठीक है, आई थिंक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गेरोल्ड फोर्ड जो है बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आफ्टर रेजिग्नेशन, इस्तीफा देने के बाद रिचर्ड निक्सन के। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। मेन पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ठीक है, विशेष तौर पर आप याद रखना, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो मोटे मोटे पॉइंट है, जो कीवर्ड्स हैं इन्हें बोलते हैं कीवर्ड्स, जो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा हो गया कुछ, हु वॉज सेलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2019 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, स्टीवन विनबर्ग, डेविड मालपास, विल्बर रोज, जेफरी गिरिश। देखिए आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है बी आंसर, डेविड मालपास, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज मैंने आपको दे दिया इसलिए इमेज से आपको क्लियर रहेगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फरवरी 2019 गवर्नमेंट हैज साइंड ₹700 करोड़ डील टू बाय 7000 मॉडर्न राइफल्स फॉर इंडियन आर्मी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। फरवरी 2019 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय सेना के लिए 72,000 आधुनिक राइफल खरीदने के लिए 700 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी हमारी जो कंट्री है जो है हमारे लेन देन चलता रहता है, ठीक है, डिफेंस की चीज़ों पे जो है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग ये चलती रहती है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो जैसे कि और इसका आंसर है USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन सिंगापुर ओपन 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंटो मोमेंटा, इमेज मैंने दे रखी, कहा आई थिंक आप लोग समझ भी गए कुछ लोग इमेज से, इमेज से माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कैंटो मोमेंटा, केंचिंग टेंगो, चैन लॉन्ग, सी यूकी, इसका आंसर है ए। जैसा कि गाइस मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना मुखर्जी नगर में, तो काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट लोग देखते हैं, तो वो कहते हैं सर आप मतलब कि कितना अल्टीमेट पढ़ाते हैं, इमेजेस के थ्रू आपकी क्लियरिटी हो जाती है हमारे माइंड में चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डैश पार्लियामेंट बिकेम द फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट टू पास अ नेशनल डिक्लेरेशन ऑफ एन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट इमरजेंसी। मेन पॉइंट जो एक कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट इमरजेंसी, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट इमरजेंसी कीवर्ड है। देखिए आप लोग जानते हैं एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट पे जो मीटिंग चलती रहती है, ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में, हर G7 हुआ, G20 हुआ, ये मीटिंग जो चलती रहती है वहाँ पे एनवायरनमेंट के ऊपर विशेष रूप से सुर्खियाँ मतलब कि डिस्कशन चलता है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, डैश संसद पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की राष्ट्रीय घोषणा पारित करने वाली पहली राष्ट्रीय सरकार बनी, कौन सी सरकार बनी थी, किसकी बनी थी, यूके की, इंडियन की, स्वीडन की, स्पेन की, इसका आंसर ए यूके की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE विद रेस्पेक्ट टू मोबाइल कम्युनिकेशन, लिमिटेड ट्रांसमिटेड एनर्जी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लीस्ट अफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, नन ऑफ द अबव, बताइए आंसर क्या है इसका, इसका आंसर बी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट सोलेबिलिटी इन वाटर एट रूम टेम्परेचर में, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज हाईएस्ट सोलेबिलिटी इन वाटर एट रूम टेम्परेचर में, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमीनो, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर सी अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, द फेमस पोएम पद्मावत डिस्क्राइबिंग स्टोरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड रानी पद्मावती वॉज रिटन बाय, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की कहानी का वर्णन करने वाली प्रसिद्ध कविता पद्मावत द्वारा लिखी गई, चंद बरदाई, मुला वजही, मलिक मोहम्मद जयसी, अब्दुल रहीम, बताइए आंसर क्या है, इसका आंसर सी आंसर। इमेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे हैज बीन इनोवेटेड, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बी आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हेड चंद बरदाई रिटन, निम्नलिखित में किस पुस्तक में चंद बरदाई लिखा गया था,
पृथ्वीवर रासो, बाहुबली रासो, प्रेम रासो, रास रसो, इसका आंसर है पृथ्वीवर रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट का, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम पोटाश, फॉस्फेट, आयरन ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, बताइए आंसर क्या है इसका, डी सोडियम क्लोराइड। विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम का, मार्स, वीनस, मरकरी, अर्थ, बताइए आंसर क्या है इसका। विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम का, मार्स, वीनस, मरकरी, अर्थ, इसका आंसर है बी वेनिस। वेनिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम का, द रीजन डेट वीनस इज हॉटर देन मरकरी से इज दैट इट हैज एन एटमोस्फेरिक मेड ऑफ कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का, इट हैज एटमोस्फेरिक मेड जो बना है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, इट ऑल्सो हैज क्लाउड्स ऑफ एसिड इन साइड इट्स एटमोसफेयर में, इट ऑल्सो हैज क्लाउड्स ऑफ एसिड इन साइड इट्स एटमोसफेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल का, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केंद्र नियंत्रण केंद्र है, न्यूक्लियस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज मेड अप ऑफ लावा एंड मैग्मा, ये कई तीन चार क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान लावा और मैग्मा से बनी है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंटरी, नन ऑफ द अबव, आप इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉरी आंसर दिया, द ईयर ऑफ रन अवेज वॉज रिटन बाय, द ईयर ऑफ द रन अवेज वॉज रिटन बाय संजीव सहोता, खुशवंत सिंह, दादाभाई नरोजी, चार्ल्स डिकन्स, पता आंसर क्या है इसका, इसका आंसर ए, ठीक है। और इस इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, संजीव सहोता ईयर द ईयर ऑफ द रनवेज मैंने आपको बता दिया, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, दादाभाई नरोजी पॉवर्टी एंड अनबीटेड रूल इन इंडिया में, चार्ल्स डिकन्स ओलिव ट्विस्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, संजीव सहोता द ईयर ऑफ द रनवेज, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, दादा बनर्जी पोएट्री एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, घूमर इधर फोक डांस, आप लोग जानते हैं इसका आंसर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंजेस, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंजेस से, सामरवती, माही, घग्गर, बेतवा, इसका आंसर है ए सामरवती। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज रिमेंबर, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विलियम स्टेजन, निकोसला टेस्ला, व्हीलर, माइकल फराडे, बताइए आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा डी माइकल फराडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग रुपीज वन कॉइन्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक रुपये के सिक्के में होता है, डेल्टा मेटल, निकल स्टील, मुल्तान मेटल, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का, क्या होगा बताइए आंसर क्या होगा, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। करला लोकेटेड इन महाराष्ट्र में इज फेमस टेस्ट केव, करला लोकेटेड इन महाराष्ट्र में इज फेमस केव, कौन सी केव के लिए, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इसका आंसर बुद्धिज्म। काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड, द मेकिंग ऑफ द लेजेंड पुस्तक के लेखक कौन है, मोहन भागवत, बिंदेश्वर पाठक, रमेश चंद, आर के पाठक, बताइए आंसर क्या है, कुछ लोग शायद आप लोग जानते हैं इमेज के थ्रू, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, ये ऑथर कौन है, बी आंसर, आप इमेज के देखकर याद भी रख पाओगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किस अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, विच रेलवे स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवे टू गेट एन ISO सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम NGT से, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग पैसेंजर एमिनिटीज इन क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, एमिनिटीज यानी कि प्योर मतलब कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट के लिए, कोई भी मतलब कि साफ सुथरा एक मतलब कि स्टेशन के लिए, मतलब स्टेशन को बिल्कुल साफ एंड नीट एंड क्लीन रखना, बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना, कानपुर सेंट्रल
आनंद विहार टर्मिनल गुवाहाटी न्यू दिल्ली, काफी इजी क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। सी आंसर गुवाहाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस प्लेड द रोल ऑफ प्रियंका गांधी इन मूवी एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर में। हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस प्लेड द रोल ऑफ प्रियंका गांधी इन मूवी एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर में। ऑप्शन ए दिव्या सेठ, सुजैन बेनेट, आहाना कुमरा, सोनिया अबलीजूरी। बताइए आंसर क्या होगा इसका, गैस कीजिए। गॉर्जियस आहाना कुमरा, आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपको इमेज देख के क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, इमेज आपको दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड की। काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा इसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की वीडियो बना दी है, मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। कम्युनिटी देखिए गाइस, मैं कम्युनिटी टैब में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ और जो वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में इवनिंग में कभी टाइम मिलता है मैं अपलोड करता रहता हूँ, यानी कि पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पोस्ट करते हैं कम्युनिटी टैब में हम चीज़ों को क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर मैं आपको वीडियो लगा दूंगा, वो वीडियो जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बी होगा, हाइड्रोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं, कोई बात नहीं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स की, तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बी आंसर हाइड्रोमीटर। इमेज को देखिए आप समझ भी गएंगे। द कंडीशन ऑफ टोटल मेमोरी लॉस इज एक्सप्रेस बाय टर्म डैश। द कंडीशन ऑफ टोटल मेमोरी लॉस इज एक्सप्रेस बाय टर्म। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रूमा, अमेंशिया, कॉमा, नैन ऑफ दीज। इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, ठीक है, इसका आंसर बी है, अमेंशिया। देखिए, अमेंशिया में क्या होता है ना, अमेंशिया में आदमी अपनी पूरी जो याददाश्त होते हैं ना, अपने माइलस्टोन होता है, अपनी मेमोरी जो होता है, अपने बचपन की मेमोरीज होती है, सब भूल जाता है, बिल्कुल उसकी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, और कॉमा में क्या होता है ना, कॉमा में आदमी मतलब कि उसकी ना अनकॉन्शियसनेस होता है, वो मतलब कि बेहोशा रहता है कॉमा में। ठीक है, ट्रूमा में क्या होता है, ट्रूमा में आदमी किसी टॉपिक पे किसी चीज़ पे जो है सोचता रहता है, डीपली एनालाइज करता रहता है, सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी डिप्रेशन में हालत हो जाती है उसकी, और वो किसी भी काम को करने के लायक नहीं होता, उसकी एबिलिटी नहीं होती किसी भी काम को करने की। ठीक है, इसका आंसर बी है, अमेंशिया। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कॉमा क्या है आपको ये नहीं पता, कॉमा क्या है, अमेंशिया क्या है, ट्रूमा क्या है, जब आपको ये वर्ड ही नहीं पता तो इम्पॉसिबल है, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। विच स्क्रीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया की। विच स्क्रीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया की। फर्स्ट स्क्रीड्यूल, सेकेंड स्क्रीड्यूल, थर्ड स्क्रीड्यूल, फोर्थ स्क्रीड्यूल। बताइए आंसर क्या इसका, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आंसर इसका, बता देना। देखिए, 12 स्क्रीड्यूल होते हैं हमारे, मैं बता देता हूँ आपको, 12 स्क्रीड्यूल्स होते हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 12 स्क्रीड्यूल, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। इसका आंसर है फर्स्ट स्कड्यूल। ठीक है, सेकंड स्कड्यूल में क्या आता है, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी सैलरी डिसाइडेड होती है इसमें। ठीक है, थर्ड स्कड्यूल में क्या होता है, ओथ एंड अफर्मेशन आती हैं। फोर्थ स्कड्यूल में क्या होता है, जो हमारे एलोकेशन होता है सीट्स का, राज्यसभा की सीट्स का, टू यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो 12 स्कड्यूल आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच बॉडी पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ मिनरल इंप्योरिटीज फ्रॉम ब्लड से, रक्त से खनिज अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सा शरीर का अंग जिम्मेदार है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी स्प्लीन। विच बॉडी पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ मिनरल इंप्योरिटीज फ्रॉम ब्लड से, जो गंदी चीज विषैले पदार्थ से निकालने के लिए। गैस के जैसे आंसर क्या है, किडनी। ठीक है, कुनो वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कुनो वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या है इसका, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। देखिए गाइस, आपको रेगुलर बेसिस वीडियो मिलती रहेंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।